ज्यादा भीड़ बार बाजार तो नहीं है इधर, साफ सफाई और पार्किंग वगैरह है यहाँ पर। ये आ गए चंडी देवी, वो देखिए वो पहाड़ी पे चंडी देवी मंदिर और ये चंडी देवी घाट। गाइस अब आ चुके हैं चंडी घाट पार्किंग, चंडी घाट आ चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं यहाँ गाड़ी अपनी पार्क करके यहाँ से निकलेंगे चंडी घाट की तरफ। इधर ये है नदी चंडी मंदिर और इधर पहाड़ी पर चंडी देवी मंदिर उस टॉप पे है, उस टॉप पे है चंडी देवी मंदिर। तो चलते हैं पहले घाट पर, घाट वैसे तो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ स्नान भी किए हैं और यहाँ चलते हैं देखते हैं लोगों का क्या मूड होता है, लोगों के मूड के ऊपर जो है बात है आगे का। लोगों का जैसा मूड होगा वैसा करेंगे, देखते हैं। एक तरफ चंडी देवी मंदिर और दूसरी तरफ मनसा देवी मंदिर, तो दोनों पार पे दोनों मंदिर यहाँ पे है देख सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा ये देखिए, चंडी देवी मंदिर का ये घाट है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं एक विदेश की तरह यहाँ पे साफ सफाई और डेवलप किया हुआ है देख सकते हैं। डेवलप बहुत ही बढ़िया है, जैसे अदर हम गए मनसा देवी गए वहाँ पर बिल्कुल पूजा पाठ इतना कचरा उचरा भरा हुआ था पानी में या ऊपर और भीड़ भाड़ कोई साफ सफाई नहीं, बट दूसरी तरफ इस पार देखेंगे इतनी साफ सफाई है कहेंगे हाँ किसी विदेश की नदी के किनारे आ गए हैं, इतनी साफ सफाई और पार्किंग वगैरह है यहाँ पर। देखेंगे हर बिल्कुल हर चीज़ों का जो एक मैनेजमेंट एक जैसा सिस्टम होता है वो सारा सिस्टम का ध्यान रखा है देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है बनाया हुआ है, चारों तरफ घूम के देखेंगे बहुत साफ सफाई है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखा है। और ये देखिए गेट है चंडी घाट जो है एंट्री से पहले छोटी मोटी इधर बाजारें हैं, जैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ बाजार तो नहीं है इधर। मनसा देवी की जो घाट है उससे छोटा बाजार है इधर, बहुत ही छोटा बाजार है इधर देख सकते हैं। और ये मेन गेट आपको दिखाई दे यहाँ से एंट्री करते हैं घाट पे, तो इधर छोटा बाजार है जैसे तो होटल वगैरह भी है खाने के लिए, लेकिन बाजार जो है ना बहुत छोटा है, बिल्कुल नाम मात्र है इधर बाजार, यानी खरीदारी के लिए कुछ ऐसा चीज़ इधर नहीं है। दिखाएंगे एक बस्ती भी है चंडी घाट के जो किनारे किनारे जो है एक बस्ती दिखाते हैं झुग्गी झोपड़ी टाइप का, जो लोग इधर पूजा पाठ के जो सामान वान नहीं देखते हैं दुकान लागे छोटी छोटी, तो उस टाइप का जो है ना उन लोगों के लिए बस्ती यहाँ पे है, दिखाते हैं आपको किनारे बड़े गरीब तरह के देखेंगे बच्चे यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर हम किसी को दान देना चाहते हैं तो यहाँ आके दे सकते हैं, इससे बहुत सारे गरीब जो है बस्तियाँ हैं इस टाइप के देखेंगे। तो इस तरफ जो है ये बस्तियाँ हैं वो देखिए बहुत सारा अंदर दिखेंगे बहुत सारा झुग्गी ऐसे बसा हुआ है किनारे किनारे पहाड़ के नीचे एरिया में जहाँ पानी बहुत सारा, तो इस तरह की जो है यहाँ पे बहुत सारा बस्तियाँ बसा हुआ है देख सकते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए इन्हीं सब चीज़ों पर जो पूजा पाठ का जो है जैसे डब्बा हुआ या माला वगैरह जो बेचते हैं यही लोग होते हैं जो आसपास में छोटी मोटी दुकानों करके। और यहाँ एंटर है बस्ती का, देखिए यहाँ से ये बस्ती का पूरा एंटर है और इस तरफ से यहाँ पे पूरे एरिया में बस्ती बसा हुआ है। दूसरी तरफ यहीं से देखिए पार्किंग के लिए व्यवस्था है गाड़ियों की पार्किंग के लिए यहाँ पे चंडी घाट के ऊपर, और यहाँ पे देखिए फ्री पार्किंग है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ये देखिए। और यहाँ से आपको सीधा मनसा देवी का जो है पहाड़ वो भी नज़र आ रहा है जो दूसरी तरफ है गंगा की दूसरी तरफ है वो भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों का दिल्ली राइडर ब्लॉग का आगे आ चुका है, अब हम लोग बैठेंगे बस यहाँ से प्रस्थान करते हैं। चलो भाई चंडी घाट के दर्शन हो गए, अब चलो देख सकते हैं इसी रास्ते से अभी हम आए थे और इसी रास्ते सब जो है वापस जा रहे हैं पहाड़ी की ओर, और पहाड़ी की साइड से ही ये रास्ता गया हुआ है जो चंडी घाट पे गया हुआ है देख सकते हैं। और एक प्रकार की हाँ यहाँ पे जो आप ऑटो देखें ना यहाँ ब्लू कलर की जो है उस पर उत्तराखंड में एंटर करते ही आपको ना ऑटो पे ब्लू कलर ये का मिलेगा, ये सारे ऑटो पे ब्लू कलर यानी कि उत्तराखंड की एक पहचान है ऑटो पे ब्लू कलर का देख सकते हैं। बेहतरीन नज़ारा है, रोड देखिए रोड के एकदम जस्ट नीचे जो है ये पहाड़ के एक साइड पहाड़ और एक तरफ जो है बस्तियाँ हैं वही बस्ती हैं,
और चंडी घाट के जो बगल में ये बस्तियाँ और बस्तियों के बाद ये रोड और ये सामने पहाड़, तो ये है और यही रोड आपको जो है पुल तक पहुँचाएगी। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।